हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ELCB के बारे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ELCB होती क्या है और ये कैसे काम करती है। इसकी थ्योरी भी बताऊंगा और इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ELCB होती क्या है और ये कैसे काम करती है। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब ये है कि ये एक सर्किट ब्रेकर है जो लीकेज करंट को सेंस करता है और अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सर्किट में लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट के फ्लो को सेंस करके ELCB इसको ट्रिप करा देता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ELCB काम कैसे करती है। तो दोस्तों, ELCB में फेज करंट और न्यूट्रल करंट को आपस में रेगुलरली कंपेयर करती रहती है। मान लीजिए आपके पास में कोई मोटर है जो 10 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर रही है। ELCB क्या करता है, जो फेज वायर से 10 एम्पीयर का करंट जा रहा है उतना ही वापस न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्न आना चाहिए। अगर न्यूट्रल करंट में उतना ही करंट रिटर्न आ रहा है तो ELCB इस कंडीशन को नॉर्मल मानेगी और सर्किट को कंटिन्यू जारी रखेगी। लेकिन अगर फेज वायर से 10 एम्पीयर करंट जा रहा है और न्यूट्रल वायर से 10 एम्पीयर करंट वापस नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन को ELCB अब नॉर्मल मान के सर्किट को ट्रिप करा देगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ELCB को कैसे पता चलेगा कि कितना करंट लीकेज होने पर सर्किट को ट्रिप कराना है। तो दोस्तों, ELCB में एक सेंसिविटी रेटिंग होती है। मान लीजिए आपकी ELCB की सेंसिविटी रेटिंग 30 मिली एम्पेयर है। तो दोस्तों, जब भी लीकेज करंट का मैग्नीट्यूड 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो ELCB इस कंडीशन को अब नॉर्मल मानेगी और सर्किट को ट्रिप करा देगी। तो दोस्तों, ये तो था ELCB का थ्योरिकल पार्ट। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले पार्ट में इसकी थ्योरी के बारे में बताया था। अब मैं इसको दूसरे पार्ट में प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ELCB के जो कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर पहले तो आप ये लिखा होता है न्यूट्रल और फेज। अगर न्यूट्रल यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे मेंशन नहीं है, फिर भी आपको एक आसान तरीका है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसका ये ट्रिपिंग पॉइंट जो होता है, इस वाले पोल पर आपको न्यूट्रल देना है और दूसरे वाले पोल पे आपको फेज देना है। उसके बाद में आउटपुट आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में देनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करना है, ये देखिए ये स्टार्ट कर दिया मैंने, ELCB ऑन हो गई। और इसको दोस्तों आपको महीने में एक बार ही, हमेशा एक बार आपको इस तरीके से आप ट्रिप करके इसको टेस्ट करना चाहिए आपको। जैसे ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप महीने में एक बार इसको ट्रिप करके देखना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी ELCB प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल है और ये फेस है और ये आउटपुट मैंने ये बोर्ड में दे रखा है प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, अब ये आप देख रहे हैं यहाँ फेस आ रहा है और ये जो अर्थ लीकेज होता है तो उसको रोकने के लिए कैसे प्रोटेक्शन काम करते हैं, ये मैं आप ये अर्थ से एक वायर कनेक्ट करके मैं लेके आया हूँ। और देखिए, अब इसे हम टेस्ट करते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये ट्रिप हो रही है। इसको वापस ऑन करते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ELCB काम करती है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और ये हमें शॉक से भी बचाती है। और देखिए दोस्तों, ये इसकी रेटिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 63 एम्पेयर है और ये 30 मिली एम्पेयर जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो 30 मिली एम्पेयर करंट जैसे ही फ्लो होगा ये ट्रिप करा देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी रेटिंग होगी, ये 63 एम्पेयर की है और इससे ज़्यादा की एम्पेयर की भी आती है। सिंगल पोल की है, थ्री फेज में भी ये प्रोवाइड होती है जो हमारी इंडस्ट्रियल में यूज होती है। दोस्तों, ये तो था ELCB के बारे में, मैंने आपको थ्योरिकल बताया और प्रैक्टिकल करके भी आपको मैंने दिखाया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।